जमाल रेजिमेंट भाग करो, जमाल रेजिमेंट भाग करो, जमाल रेजिमेंट भाग करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जमाल रेजिमेंट भाग करो, जमाल रेजिमेंट भाग करो। शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। और कुछ कारणों से भंग कर दी गई थी, तो ये इसे जो है हम बहाल करवाना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हर जाति के नाम पर रेजिमेंट है, या तो वे देश के शहीदों के नाम पर रेजिमेंट होनी चाहिए, नहीं तो ये भी जब ये गौरवशाली इतिहास है चमार रेजिमेंट का, और इसके जितने भी सैनिक थे उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, जापान सेना को उस समय हराया था इन्होंने, जब इन्होंने देश के लिए इतना कुर्बान हुए हैं, तो ये रेजिमेंट जो है हमारी बहाल होनी चाहिए। आपसे ये निवेदन है कि आपके माध्यम से ये महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन पहुँचे, और इस ये बहाल होने के लिए हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। ज्ञानदास अखिल भारतीय चमार रेजिमेंट बाल संघर्ष समिति के तत्वाध्यान में जो आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज हम सब सैकड़ों जो समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं, और चमार रेजिमेंट बहाल करने के लिए हमने DM साहब को ज्ञापन दिया है, मेरे DM को, और हम चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जो हमारी ये चमार रेजिमेंट है बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्च 1943 में इसको अंग्रेज़ों ने गठित किया था, और इन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जापान की फौजों को हरा दिया, और देश का गौरव ऊंचा किया है, नाम ऊंचा किया है। तो हम चाहते हैं कि जब सभी रेजिमेंट जात के नाम से यहाँ आज भी ये चल रही है, तो ये चमार रेजिमेंट क्यों नहीं चलनी चाहिए। तो हमारी आवाज़ जो है सरकार सुने, और SC ST OBC जितने भी ये यहाँ इकट्ठे हुए रेजिमेंट थी उनकी सभी को मिला करके बनाई गई थी चमार रेजिमेंट, तो ये बहाल होनी चाहिए। और बहाली के लिए हमने मेरा DM साहब को जो है इसका ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को पहुंचाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये बहाल हो, और बहाल होंगे तो फिर जो है ये जो चमार जाति के जो नौजवान हैं ये अपना शौर्य दिखाएंगे और बहादुरी से देश की सेवा करेंगे। इसीलिए हमने ये आज का धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है DM साहब। चाहेंगे यहाँ का आने का उद्देश्य? भाई देखिए, ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, ये डिमांड हमारी एक दिन की नहीं है, बहुत पुराने समय से जब से ये डिसमिस की है हमारी डिमांड चल रही है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बारे में बहुत बड़ा आंदोलन मोमेंट भारत के कोने कोने से उठने जा रहा है, सरकार चेत जाएगी एक रोज, इतना बड़ा यह आंदोलन होगा, और दिल्ली की कोई भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो जाम से नहीं होगी, भरी हुई नहीं होगी। तो मैं इस माध्यम से फिर एक स्लोगन के द्वारा अपनी बात को कहना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा ज्ञानदास जी, बाबू हरसिंह कटारिया जी, बाबू अटल सिंह जी, और इसे मानव सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील माल्या जी, और सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, हमारी जो मांग है चमार रेजिमेंट बहाल करने की, तो मेरा प्रशासन से ये सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि यदि चमार रेजिमेंट बहाल नहीं करना चाहते, तो जाति के जो नाम पे जो ये रेजिमेंट बनी हुई है, हमारी राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, तमाम की तमाम रेजिमेंटों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जाति के नाम पे कोई रेजिमेंट रहने नहीं चाहिए। यदि रेजिमेंट सबके साथ है तो चमार रेजिमेंट को भी बहाल करना न्यायहित में ज़रूरी है। दूसरी बात, केवल चमार रेजिमेंट में चमार बिरादरी के लोग ही सैनिक नहीं बनेंगे, इसमें तमाम की तमाम जाति के लोग सैनिक होंगे, और सबको अपने शौर्य का प्रदर्शन करने का अधिकार होगा। तो जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन है इस मांग को महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुँचा दिया जाए, और आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि यहाँ पर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम जो दिल्ली की सड़कों का घेराव करेंगे, संसद घेरेंगे, और अपनी मांग जारी रखेगी। तो समय सम्मान साथियों का, सभी का धन्यवाद, सब लोग आए, सभी का सहयोग रहा,
थोड़ी बहुत तो कमी रह जाती है, परंतु सब सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सभी को आज इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। जय जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज आप मेरठ सीएम कार्यालय में आए हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने के लिए? हमारा उद्देश्य है वो चमार रेजिमेंट जो अंग्रेजों के द्वारा वो अंग्रेजों ने है उनको हमको निरस्त कर दिया था, और वो निरस्त इसलिए कर दिया था जब इन्होंने जापान के खिलाफ में लड़ाई लड़ाई तो वो जीते, पर हमारे जवान शहीद हुए और काफ़ी उधर से काफ़ी मर गए। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हमारे जवानों को कोहिमा दिया था। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी से जो आज डीएम कार्यालय में आए हैं, जरा बताइए डॉक्टर साहब। मैं मांग के साथ हमारे रेजिमेंट होनी चाहिए और सभी को देश के लिए रक्षा के लिए अपना योगदान देने का अधिकार है, ठीक है। और सब मेरे निगाह में सभी जाति सभी धर्म बराबर, तो जब और जातियों के नाम पे है रेजिमेंट तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ज़रूर होनी चाहिए। और मैं इनकी मांग के का पुरजोर समर्थन करता हूँ। ये बात अलग है कि जब सब जातियाँ ख़त्म हों तो जाति के नाम से रेजिमेंट भी ख़त्म हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मानव जाति ही हमारी एक जाति है, पर जब तक नहीं है तब तक इनकी मांग भी मानी जाए। और मैं इस मांग के साथ हूँ क्योंकि मैं रोजगार के लिए परसों। आज आपका क्या उद्देश्य है इस कार्यालय माने का, जरा आप बताएं। हमारा उद्देश्य है कि हम बहुत कई सैनिक भूतपूर्व सैनिक हैं, लड़ाई लड़ी हमने, और हमारा चमार रेजिमेंट में आस्था है, ये जरूर बहाल होनी चाहिए और हो के रहेगी। हम इसमें सहयोग करेंगे, जो भी हमसे तन मन धन से होगा, जो भी हमसे होगा उसे सहयोग करेंगे और इसे बहाल कराएंगे। बहुत बढ़िया। मोते गुरुदास मानव सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुनील माल्या जी, आज आपका क्या उद्देश्य है इस कार्यालय में आने के लिए? आज हम लोग सब लोग क्या कहते हैं चमार रेजिमेंट बहाल करने हेतु यहाँ धरना दे रहे हैं, जिनका और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से डीएम ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी को कि जो हमारी चमार रेजिमेंट 1 मार्च 1944 को बनी थी उसको जो है बैन किया गया है, उसे बहाल किया जाए। इसका एक धरना था आज हमारा। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे भी आज हम यहाँ पे काफ़ी आदरणीय लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे महात्मा जानदा जी इकट्ठे हुए हैं, हमने पहले भी इसकी काफ़ी सालों से इसके लिए पदयात्रा भी की थी, चर्चा में है, और हम यही चाहते हैं कि चमार रेजिमेंट बहाल होनी चाहिए और हम इसके लिए दिन हमेशा तत्पर रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। सतना मिटिंग लेके आज इस कार्यालय में आए हैं चमार रेजिमेंट के लिए। हम तो यही कहेंगे कि जो हमारी चमार रेजिमेंट है बहाल हो। डीएम मोदी से यही आग्रह है कि हमारा जो ज्ञापन दिया गया है आज डीएम कार्यालय में वो राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों के समर्थन में आया हूँ और जितने भी मेरे संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सबसे एक अनुरोध है कम से कम एक आदमी दो आदमियों को वोट दें। बहुत बहुत पूरा समर्थन पूरा इनके लिए एवरी। हाँ जी डॉक्टर, यही है सभी अपना मिलजुल के जो हमारे महाराज आवाज मारे पहल सब सहयोग दें और हमारी आवाज़ महामहिम राष्ट्रपति तक को पहुँचाई जाए और चमार रेजिमेंट बहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मुरादनगर से ओम प्रकाश, रिटायरमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरा कहना है जो वचन हो चुका है और अभी गवर्नमेंट ने माना नहीं है, जबकि हम तन मन धन से हर तरह से लगे हुए हैं। हमारी यही अडिगता है जब तक नहीं इसे संघर्ष में लिया जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और हर तरह से हम इनके इस मिशन के लिए तन मन धन से हर तरह से तैयार रहेंगे, रहे हैं और आगे भी इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमें गुरुजनों का आशीर्वाद और सबका सहयोग है। धन्यवाद। जब बहाल किया जाए और हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमने गुरुदास कमेटी का अध्यक्ष और हमारी जो हमारे गुरुजनों की जो आज्ञा है और जो हमारी चमारे कि भाई ये तो एक छोटी सी चिंगारी है मेरठ से, सरकार किसी की भी आओ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर चमार रेजिमेंट बहाल करेंगे हम और दिल्ली जिस तरीके से हमारे पिता तुल्य बाबू अतर सिंह जी ने बताया है कि रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, बात रामलीला मैदान की नहीं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जो संवैधानिक तरीके से हम लोग करेंगे और हम सभी बहुजन समाज के सभी एकजुट होकर जो हमारी चमार रेजिमेंट है उसको बहाल कराने के लिए हम पूरे देश में शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से ये जन आंदोलन किया जाएगा और इसका हम राजधानी दिल्ली से शुरुआत करेंगे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से इस चमार रेजिमेंट को बहाल कराने के लिए हम पूरी ताकत के साथ पूरे तन मन धन से गुरुजी के चरणों में समर्थन करते हैं। हम सभी बहुजन समाज के लोगों को लेकर, अपनी माताओं बहनों को, युवाओं को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया जाएगा और उसके साथ साथ एक जन आंदोलन भी किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय गुरु रविदास जी।